हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उन सवालों के बारे में जो आपने मुझसे पूछे हैं इस हफ्ते। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इस हफ्ते ज्यादातर लोगों के जो सवाल आए हैं वो लॉ से रिलेटेड हैं कि लॉ करना चाहते हैं, क्या करें, कैसे करें। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एडवो हेल्पर्स। तो दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया कि लॉ के क्लासेस कब से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, नॉर्मली जब भी आप इंटर पास होते हैं या बीए पास होते हैं तो उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त इसी बीच में एडमिशन होते हैं। तो सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसे एडमिशन होते हैं, तो आप वहां पे जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक बात और बता दूं, जो लोग बीए कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं या बी फार्मा कर चुके हैं या डी फार्मा कर चुके हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप लॉ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अगर आप बीए कर चुके हैं, एमए कर रहे हैं, तो आपकी जो परसेंटेज है वो बीए की ली जाएंगे और आप 3 साल का एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटर पास हैं, इंटर में आपने बायो से किया इंटर या फिर आर्ट साइड से इंटर किया है, आप पास हुए हैं, उसके बाद आप लॉ करना चाहते हैं, तो इंटर के बाद आपका 5 साल का कोर्स हो जाता है, वो आप कर सकते हैं। ये आपका बीए प्लस एलएलबी, ये 5 साल का कोर्स होता है, इसमें भी सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक मैं बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, अगर आप लॉ करना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है इसमें, तो अगर आप इंटर पास हैं या आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि इंटर के बाद आपका ये कोर्स 5 साल का हो जाता है और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसके बाद आपका ये कोर्स 3 साल का हो जाता है। एडमिशन की बात करें तो वही जून, जुलाई, अगस्त के बीच में सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं परसेंटेज की, तो मिनिमम आपके जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए, चाहे आप इंटर हो या चाहे आप ग्रेजुएट हो। तो अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उस यूनिवर्सिटी में क्लैट के द्वारा एडमिशन मिलेगा, यानी आपको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इस एग्जाम को क्लियर करना होगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप इस एग्जाम से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देती हैं। अगर आप एडमिशन लॉ में लेना चाह रहे हैं तो अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिशन दे रही हैं, तो अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं अपना या अपने मित्र का या किसी का भी, तो अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिशन दे रही हैं, आप फटाफट चाहें वहां पे जा करके एडमिशन ले सकते हैं, वो भी बिना क्लैट के एग्जाम के एडमिशन हो रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर दूं, आपने बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि फर्स्ट ईयर मैंने बीए किया है, फर्स्ट ईयर में कितने परसेंट किया, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में। तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपके थर्ड ईयर में यानी कुल मिला के जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होती है उसमें लास्ट ईयर का आपको जो है 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका लॉ में एडमिशन होगा। तो अगर आपका लास्ट रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वैसे मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।